करीब 50 साल के सुदृढ़ प्रयासों के बाद भारत आज अपने लगभग सभी उपग्रह प्रक्षेपित करने में आत्मनिर्भर है। प्रक्षेपण यान की तकनीक संवेदनशील होती है, अतः इसे दूसरे देशों से नहीं पाया जा सकता। इसलिए हमने इसे अपने आप ही सीखा और विकसित किया है। आज इसरो के पास ऑपरेशनल प्रक्षेपण यान जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 2 एवं अधिक वजन ले जाने की क्षमता वाले जीएसएलवी मार्क 3 की श्रृंखला है। पीएसएलवी भारत का एक विश्वसनीय प्रक्षेपण यान है। विगत 25 वर्षों में इसके द्वारा 53 स्वदेशी और 269 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। पिछले कई वर्षों में पीएसएलवी में अनेक तकनीकी विकास हुए हैं। छोटे हल्के से लेकर विशाल और भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए आज पीएसएलवी दो प्रारूपों में उपलब्ध है, कोर अलोन एवं हाई एंड एक्सेल। पीएसएलवी ने इसरो के कई महत्वपूर्ण अभियान जैसे चंद्रयान 1 एवं मार्स ऑर्बिटर मिशन को भी प्रक्षेपित किया है। पीएसएलवी 4 चरणों वाला यान है, जिसमें क्रम अनुसार ठोस एवं तरल चरण होते हैं। प्रथम चरण में 139 टन ठोस ईंधन वाली एक बड़ी रॉकेट मोटर होती है। प्रथम चरण के साथ लगाए जाने वाले स्ट्रैपॉन्स भी ठोस ईंधन वाले होते हैं। पीएसएलवी के दूसरे चरण में विकास रॉकेट इंजन होता है, जिसमें 42 टन तरल ईंधन होता है। पीएसएलवी के तीसरे चरण में एक ठोस मोटर होती है, जिसमें 7.65 टन ठोस ईंधन होता है। चौथे चरण में 2 तरल इंजन होते हैं और इसमें 2.5 टन ईंधन होता है। पीएसएलवी C-44 पीएसएलवी की 46वीं उड़ान है। इसकी संरचना 2 स्ट्रैपॉन वाली की गई है। इस प्रारूप को पीएसएलवी डीएल से जाना जाएगा। पीएसएलवी C-44 पीएसएलवी के एक नए प्रारूप पीएसएलवी डीएल का पहला अभियान है। इस अभियान में पीएसएलवी C-44 के चौथे चरण को हायर सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा, जिससे उसे ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह स्थापित किया जा सके और उस पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग हो सके। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित कलामसैट इस PS4 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म का पहली बार उपयोग करेगा। पीएसएलवी C-44 अपने साथ इमेजिंग सैटेलाइट Microsat-R सैटेलाइट भी ले जाएगा। पीएसएलवी C-44 सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से एक और महत्वपूर्ण अभियान की यात्रा करने के लिए तैयार है।